नमस्कार दोस्तों और स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत चीन सीमा विवाद, इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट की। ये विवाद पिछले कुछ सालों से सुर्खियों में छाया हुआ है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस विवाद की असली वजह क्या है? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चीन ने एक ऐसी घातक गलती कर दी है जिसके कारण ये पूरा विवाद खड़ा हो गया है। आज हम इसी गलती के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिरकार भारत चीन सीमा पर असली ताकतवर कौन है। क्या आप चीन को समझते हैं? लगता है नहीं। चीन की सेना ताकतवर जरूर है, पर वो भारतीय सेना के जज्बे और हिम्मत को कम आंकते हैं। आज का ये वीडियो आपको ये यकीन दिलाएगा कि भारतीय सेना किसी से कम नहीं है। आइए देखें कैसे भारत ने चीन को उसकी ही सीमा पर घुटने पर मजबूर कर दिया है। साल 2020 से भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत ने चीन को उसके घर में घुसकर कैसे ललकारा है? भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में 500 से ज्यादा टैंक और युद्धक वाहनों को तैनात किया है। ये इलाका बेहद ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ का वातावरण बहुत कठोर है। -40 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान यहाँ आम बात है। ऐसे कठिन हालातों में लड़ाई के लिए तैयार रहना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन भारतीय जवान हर परिस्थिति का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन चीन को असल झटका तब लगा जब भारत ने दुनिया की सबसे ऊंची टैंक मरम्मत केंद्रों, हाईएस्ट टैंक रिपेयर सेंटर्स की स्थापना की। जी हाँ, भारत ने न्योमा और डीबीओ सेक्टर में 14,500 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर ये मरम्मत केंद्र बनाए हैं। इन मरम्मत केंद्रों की खास बात यह है कि ये युद्ध के मैदान में ही टैंकों और दूसरे बख्तरबंद वाहनों आर्मर्ड व्हीकल्स की मरम्मत और देखरेख कर सकते हैं। इसका मतलब है कि किसी भी लड़ाई के दौरान भारतीय सेना अपने हथियारों को हमेशा दुरुस्त रख सकती है, जिससे उन्हें युद्ध में एक निर्णायक बढ़त मिलती है। भारतीय सेना ने इन मरम्मत केंद्रों को बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक, कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। यहाँ तक कि लेजर वेल्डिंग और 3D प्रिंटिंग जैसी तकनीकें भी इस्तेमाल की जाती हैं। चाइनाज अंडर एस्टिमेशन चीन ने यह सोचा था कि ऊंचाई और कठोर वातावरण भारत के लिए मुसीबत खड़ी कर देगा, लेकिन भारत ने अपनी हिम्मत और तकनीकी विकास से चीन को गलत साबित कर दिया है। भारतीय सैनिकों का जज्बा और देशभक्ति, पैट्रियटिज्म ही असली ताकत है। वहीं दूसरी तरफ चीन की यह गलती उन्हें बहुत महंगी पड़ रही है। आगे देखते हैं कि भारत चीन सीमा पर अपनी मजबूती को कैसे और बढ़ा रहा है। इंडियाज अपग्रेडेड इंफ्रास्ट्रक्चर चीन को परेशान करने के लिए भारत सिर्फ ऊंचाई पर टैंक मरम्मत केंद्र ही नहीं बना रहा है, बल्कि सीमा पर सैन्य साजो सामान, मिलिट्री इक्विपमेंट को रखने के लिए भी जरूरी बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है। T-90 और T-72 टैंकों, BMPs और K-9 वज्र स्वचालित हाविट्जर्स जैसी आधुनिक हथियारों को ठंड के मारे खराब होने से बचाने के लिए भारत इन बुनियादी ढांचों का निर्माण कर रहा है। -40 डिग्री सेल्सियस के तापमान को सहने लायक ये ढांचे बनाए जा रहे हैं, LEC एक्सप्लेन्ड। लेकिन ये विवाद आखिर हुआ क्यों? दरअसल भारत और चीन के बीच की सीमा को वास्तविक नियंत्रण रेखा, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। LAC करीब 3,488 किलोमीटर लंबी है और ये लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। लेकिन इस बात पर कभी सहमति नहीं बन पाई है कि LAC का सही रास्ता क्या है। इसी असमंजस की वजह से दोनों देशों के बीच कई बार तनाव बढ़ चुका है। 1962 का युद्ध, 2013 और 2017 की लड़ाइयाँ और 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प, वायलेंट क्लैश, इसी LAC विवाद के नतीजे हैं। आज भी दोनों देशों की करीब 50,000 सैनिक LAC पर तैनात हैं। लेकिन भारत स्पष्ट रूप से बता चुका है कि वो किसी भी तरह की चीनी आक्रामकता, एग्रेशन को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है कि वो LAC की रक्षा करे और किसी भी चीनी चाल का मुंहतोड़ जवाब दे। भारत चीन से सिर्फ सैन्य तैनाती, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट में ही आगे नहीं है, बल्कि अपने हथियारों के रखरखाव, मेंटेनेंस के मामले में भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। भारतीय सेना के पास कई तरह के बख्तरबंद वाहन हैं, जिनमें अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक, MBT,
और सोवियत संघ से मिले T-90S शामिल हैं। इन वाहनों के नियमित रखरखाव के लिए पूरे भारत में सेना की वर्कशॉप फैली हुई है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक रखरखाव प्रबंधन प्रणाली EMMS, इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, मरम्मत कार्यों को और भी ज्यादा तेज और कुशल बनाती है। इसके अलावा भारतीय सेना अपने ट्रकों को ज्यादा टिकाऊ और बेहतर बनाने के लिए लगातार उन्हें अपग्रेड कर रही है, जिसमें कई बार अमेरिका से मंगवाए गए उपकरण भी शामिल किए जाते हैं। जरूरी स्पेयर पार्ट्स की कमी न हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सेना का अपना सेंट्रल वाहन डिपो, सेंट्रल व्हीकल डिपो है। जहां तक जटिल मरम्मत की बात है, तो उन्हें सेना की सर्विस कोर और अन्य तकनीकी स्कूलों में प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी भारत चीन सीमा विवाद की वो कहानी जो चीन कभी स्वीकार नहीं करना चाहेगा। भारत ने ये साबित कर दिया है कि वो किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटता, चाहे वो ऊंचाई और कठिन वातावरण हो या आधुनिक हथियारों का रखरखाव हो। भारतीय सेना हर मामले में पूरी तरह तैयार है। चीन को ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि वो भारत की धैर्य पेशेंस को कमजोरी ना समझें। भारतीय सेना किसी भी मोर्चे पर पीछे नहीं हटेगी। LAC के मामले में भी भारत किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। भारत हमेशा शांति चाहता है, लेकिन अगर किसी ने आंख दिखाने की कोशिश की तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी पूरी तरह तैयार है। अगर आप भारतीय सेना के इस जज्बे को सलाम करते हैं तो लाइक बटन जरूर दबाएं और कमेंट करके हमें बताएं कि आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।